नोटबंदी के विरोध में विपक्ष जहां सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं शीतकालीन सत्र के 9वें दिन भी आज संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता सदन में उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारी हंगामे के बीच आज लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियमों के तहत चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से पूरे देश में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने मांग की कि पीएम मोदी सदन में आकर बयान दे, जिसके जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पहले दिन से ही चर्चा के लिए तैयार हैं, प्रधानमंत्री भी इस पर बयान देंगे, स्पीकर तय करे कि किस नियम के तहत पीएम से चर्चा कराई जाए। हालांकि राजनाथ सिंह के इस बयान के बावजूद लोकसभा में हंगामा जारी रहा, वहीं राज्यसभा में भी नोटबंदी के मुद्दे पर कई बार हंगामा हुआ। सदन में बोलते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह नोटबंदी का नहीं बल्कि काले धन की नाकेबंदी का विरोध है। इस पर विपक्ष भड़क गया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत बंद के लिए खुद पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। 8 नवंबर के नोटबंदी के फैसले से देश के किसानों, मजदूरों और व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद में सरकार के खिलाफ घेराबंदी की, तो वहीं सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस समेत डीएमके, सीपीएम और राजद के सांसद शामिल हुए। इस दौरान सांसदों ने जनता का पैसा जनता को दो, विकास का पैसा विकास को दो के नारे भी लगाए। तो आज भी संसद में नोटबंदी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जिस तरह से अपने तेवर सख्त किए हुए हैं, उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।